अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं आपका टीचर उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है जी डिस्क्रिमिनेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास है जी, ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है। और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पिछले चैप्टर यानी कि प्रीवियस चैप्टर चैप्टर नंबर जो 1 था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था। अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आगे थ्योरी है उसकी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको किस तरह मजीद सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट की। स्टार्ट है हमारे पास है, पहला टॉपिक जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी? देखिए, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर ये जो इतनी सी, इसको मैथमेटिशियन की फॉर्म, जो मैथमेटिशियन है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि मैथ की अगर आप लैंग्वेज यूज करेंगे तो इस इतनी चीज को हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास होती है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना है तो ये हमारे पास क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या है जी, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये किससे हमने फाइंड आउट किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यही हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट्स है। तो डिस्क्रिमिनेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ना कुछ आगे, जब हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व आउट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास आएगा कि रूट्स की नेचर क्या बन रही है, क्या ये पॉजिटिव है, रैशनल है, इरेशनल है, कम्प्लेक्स है, इक्वल है, अनइक्वल है, रियल है, क्या कर रहा है ये। ठीक है, तो हम किस तरह उसको बता सकेंगे। सबसे पहली बात कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स होते हैं एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है एक्स का स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक्स का स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लें x प्लस 3, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, तो ये हमारे पास आया x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अब ये जो आंसर बनेगा, यानी कि एक तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 आ जाएगा और एक x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हैं इसके दो रूट्स। रूट्स होता है यानी कि किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आ गए कि क्या है जी, हमारे पास एक माइनस 3 है और एक माइनस 2 है। तो अब हम इस चीज़ से बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से कि हमारे पास जो रूट्स ऑफ नेचर्स क्या होगी, क्या रूट्स की नेचर क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ही ब्रीफली उसको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इनकी मुश्किलात पेश ना आ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आए बात करते हैं, हमारे पास है बी का स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन होगा 0 से और आंसर उसका परफेक्ट स्क्वेयर हो। देखे ना, ये हमारे पास आंसर आया है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आ जाता 4, ठीक है, 4 क्या होना था, एक परफेक्ट स्क्वेयर, यानी कि किसका स्क्वेयर था, 2 का स्क्वेयर था, तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वेयर होना था। अगर हमारे पास आंसर, एक तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो, जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आए इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए वो 0 से ग्रेटर हो, यानी कि 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वेयर हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर हो और 0 से ग्रेटर हो, तो उस वक्त रूट्स हमारे पास रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। रूट्स हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ठीक है, ऊपर परफेक्ट स्क्वेयर था नीचे परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो हमारे पास रूट्स जो होंगे वो इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल ही होंगे, यानी कि सिर्फ किस क्या चेंज होगा, इरेशनल हो जाएंगे, रैशनल नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास है जी बी का स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास रूट्स की नेचर क्या होगी, तो उस वक्त रैशनल, रियल एंड इक्वल, ये हमारे पास रैशनल होंगे, रियल होंगे और तीसरा क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। लास्ट बात बचती है जी, बहुत आसान सा मेथड है, काम बहुत ईजी है, इसमें क्या चीज़ है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन हो जाए 0 से, यानी कि 0 से छोटा आ जाए, जैसे ये हमारे पास किस में है, लेस देन 0 है ना, तो माइनस में आंसर है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, 3i, ठीक है, अंडर रूट आयोटा लिख लें, या आयोटा आयोटा ही लिखें आप लोग, ठीक है ना, तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2i। आयोटा क्या होता है, आयोटा बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में जब आपका आंसर आ जाएगा तो हमारे पास जो, आप ये समझ लेना कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या है जी,
लेस है, इसीलिए हमारे पास आंसर किस में आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है, इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास शो करेगा। तो आई डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन से हम लोग इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो हमने क्वेश्चन जो बातें की हैं वो किस हद तक इसमें यूज होती हैं और क्या क्या काम करना है हमने इसमें, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो सर ने चीज़ें बताई हैं क्या वो वाकई ही इस एक्सरसाइज के लिए काबिल यूज़ हैं या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.2.1। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों ने क्या करना है, वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं इनके सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, नॉट द नेचर ऑफ रूट्स। सिर्फ क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट्स। जब डिस्क्रिमिनेंट्स की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 3x-1 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान सा काम है, मेथड बहुत इजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास a क्या बनेगा। a इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 में भी और 1.3 में और 2 में दोनों में यूज़ किया हुआ है इसी फॉर्मूले को। तो आपने वहाँ पर जाके अगर नहीं देखा तो मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है कि क्या क्या कौन सा ए कौन सा होता है, बी कौन सा होता है, सी कौन सा होता है। लेकिन आए यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, ये मेरे पास बी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू मेरे पास 3 एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास है जी बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है। जब ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है जी, फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट करवा लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बी का स्केयर मेरे पास है जी माइनस 3 का स्केयर माइनस 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे माइनस 1। डिस्क्रिमिनेंट डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 8 ही रहेगा, क्योंकि 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो आंसर वही देगा, जो जिसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वही आंसर ही देगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया जी डियर स्टूडेंट्स 8 और 9 हमारे पास 17 होता है। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम इसी तरह है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 वाला देख लें। 4 में हमने क्या करना है जी, 4 में भी हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। 4x का स्क्वायर माइनस 7x-2 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वही चीज़ें, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस का 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी कि हम लोग इसको किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है जी बी का स्केयर माइनस 4ac, बी के स्केयर में माइनस 7 का स्केयर आ जाएगा जी माइनस 4 और ये हमारे पास 4 और माइनस का 2। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 7 का स्केयर होता है 49, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 16 का 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 32। तो क्या आंसर आ जाएगा जी हमारे पास, 4 और 7 और ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 81 इसका आंसर आ गया। ये हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 किया है, 1 और 4 पार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आप 2 और 3 कर सकेंगे, क्योंकि आसान सा मेथड है, मुश्किल काम नहीं है, इसको इजी होके समझें, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है हमने उसको फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप उसको, डिस्क्रिमिनेंट से आप उसका बताएं कि उसकी नेचर क्या है और फिर उसको सॉल्व आउट करके बताएं, उसका रिजल्ट को वेरीफाई करके बताएं कि क्या वो वाकई ही वही चीज़ बना रहा है या नहीं। तो आए देखते हैं क्या किस तरह सॉल्व आउट करेंगे हम लोग इसको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 1, ठीक है, क्या है जी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, एक्स का स्क्वायर माइनस 23x प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व आउट कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इसका जो है वो क्या चीज़ आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो जब हम लोग
सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है जी, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है बी का स्केयर माइनस फोर ए सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस का 23 एंड सी इज इक्वल टू 120, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास इसके आ गया बी का स्केयर माइनस फोर ए सी, बी का स्केयर माइनस फोर ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट्स को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करवा दें, ए हमारे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की स्केयर की जगह पे हमारे पास माइनस का 23, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा जी हमारे पास माइनस का 23 आ गया बी का स्केयर, और ये है जी 4 120, एक जगह पे 1 और ये हमारे पास 120 आ गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या करना है, 23 का स्केयर फाइंड करना है। 23 का स्केयर जब आप लोग फाइंड करेंगे, 3 को 3 से 9, 3 को 2 से 6 मल्टीप्लाई 2 को 3 से 6 और 2 को 2 के 4, ये 9 12 और 4 ओवर 5। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसका आया जी, डिस्क्रिमिनेंट ये एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारे पास माइनस वाली वैल्यू का आप स्क्वेयर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास 529 माइनस क्या आ जाएगा जी 480। डियर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आप इसमें से ये माइनस करवाएंगे तो ये हमारे पास 49। तो क्या बना, ये परफेक्ट स्क्वेयर क्या बन गया है, परफेक्ट स्क्वेयर। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से ग्रेटर है। तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रूट्स होंगे हमारे पास रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास, सिर्फ हमने रूट्स की नेचर बताई है, देखे ना 49 किसका स्केयर है जी, 49 हमारे पास 7 का स्केयर लें तो वो 49 ही आता है, ठीक है। अब इसको हमने किस तरह मजीद सॉल्व आउट करना है, ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करना है जी। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, एक्स का स्केयर 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसको देख लें, अगर हम इसके जो है वो दो रूट्स फाइंड करते हैं तो क्या रूट्स आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी हमारे पास एक्स का स्केयर माइनस 23x प्लस का 120। डियर स्टूडेंट्स हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और लास्ट पे हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर होता है उससे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, रूट्स जो हमारे पास है इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह आएगा जी इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करवा दूँ, माइनस 15x माइनस का 8x प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करनी मैंने आपको सिखाई है सबसे पहले लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप चेक कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ये हमारे पास है जी x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 15 माइनस 8 कॉमन ले लें, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 और दूसरा आ जाएगा जी x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x माइनस 15 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास 8। देखिए दोनों रैशनल नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर हैं और रियल नंबर भी हैं, ठीक है, दोनों रियल नंबर हैं एंड अनइक्वल हैं, यानी कि दोनों इक्वल भी नहीं है, ये 15 है ये 8 है तो ये हमारे पास इक्वल भी नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारे पास वेरिफिकेशन भी ठीक हो गए। इस तरह आपने क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी करनी है। आए मैं आपको मजीद जो है वो एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करके चेक करवाता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना रहे। डियर स्टूडेंट मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर नए आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर है जी 3। पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या करना है, पार्ट नंबर में 3 को मैं आपको 2 पार्ट नंबर 2 सॉल्व करके चेक करवा देता हूं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना रहे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 7 है और 3 है और 2 है। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं जी। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी का स्केयर माइनस 4 ए सी, ठीक है, ये हमारे पास ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू
सेवन। डियर स्टूडेंट्स, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें वैल्यूज पुट करवा लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा जी बी का स्केयर, थ्री का स्केयर माइनस फोर, ए की जगह पे टू एंड सी की जगह पे सेवन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जी। थ्री का स्केयर हमारे पास नाइन, फोर को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे एट, और सेवन जो है वो एज इट इज लिख लें। नाइन माइनस एट को सेवन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, एट को सेवन से, एक एट का टेबल सेवन तक पढ़ना है तो 56 आया। डियर स्टूडेंट्स, 56 में से 9 अगर हम लोग माइनस करवाएंगे तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 47, माइनस का 47। तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन है, यानी कि हमारे पास जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ गया है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, जीरो से लेस है। तो हमारे पास क्या आएगा, रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आ सकता है जी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स बन जाएंगे, क्योंकि जीरो से लेस है। तो जब जीरो से लेस होगा तो हमारे पास जाहरी बात है वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएगा। आए हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास है जी वेरीफाई, इसको करने जा रहे हैं हम लोग कि क्या यही बात सच भी है या नहीं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग 2x का स्केयर प्लस 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन देख लें, अगर हो रही है तो फैक्टर बना लें, ठीक है, अगर नहीं हो रही तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक 2, हमारे पास b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करवानी है इसमें हमने, क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे हमारे पास माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्केयर माइनस 4, ए की जगह पे हमारे पास 2 एंड c की जगह पे हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा जी, ए की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्केयर 9 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अभी हमने किया था 56, और ये 4 x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, ये माइनस करवाएंगे तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी जी, अभी हमने करवाया है माइनस का 47 ओवर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद सॉल्व आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास इसका यही आंसर रहेगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक अनसॉल्वेबल, यानी कि इसके हम लोग मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारे पास माइनस में आंसर देगा, यानी कि अयोटा वाली फॉर्म ही बनाएगा। तो जब ये अयोटा वाली फॉर्म बनाएगा तो हमारे पास ये कौन से होंगे, अनरियल सॉरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर ही आंसर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जी। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा जी 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है जी के का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। वो कहता है इज परफेक्ट स्केयर, कि ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर कब होता है, जब रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल रियल एंड अनइक्वल। यानी कि परफेक्ट स्केयर किस वक्त होगा, जब रूट्स होंगे हमारे पास रैशनल रियल एंड अनइक्वल। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व आउट करके चेक करते हैं। तो हमारे पास पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ही हम लोग यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास है बी का स्केयर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a इज इक्वल टू k का स्केयर, b इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ वैल्यूज पुट करवानी है आपने, चेक करें किस तरह वैल्यूज पुट करवाएंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट साथ साथ वैसे ही लिखता जा रहा हूँ मैं, b की जगह पे उसकी वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 इसका होल स्केयर माइनस 4 k का स्केयर एंड 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लें, 2 का स्केयर 4 और k प्लस 1 उसका होल स्केयर वैसे ही माइनस हमारे पास आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के का स्केयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका स्केयर खोल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 के का स्केयर प्लस 2 के प्लस 1। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया है, कौन सा फॉर्मूला, a का a प्लस बी उसका होल स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस 2 ab प्लस बी का स्केयर।
ये फॉर्मूला अप्लाई करवाया है। इधर माइनस का हमारे पास 16 के का स्केयर। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, ये डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास एज इट इज़, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4k का स्केयर प्लस 4 को 2 से 8k प्लस 4 को 1 से तो 4 माइनस 16k का स्केयर। डियर स्टूडेंट्स माइनस 16 में से अगर आप लोग क्या कर लें, हम लोग अगर माइनस 16 में से 4 माइनस करवा लें तो बाकी माइनस का 12k का स्केयर प्लस 8k प्लस 4 ये हमारे पास आता है जी डिस्क्रिमिनेंट्स। ठीक है, अब वो कहता है इस परफेक्ट स्केयर, तो जब परफेक्ट स्केयर हो जाएगा तो देखें ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा, देखें ना हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा, तो जब परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, जीरो के इक्वल, तो आए हम इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं, माइनस 12k का स्केयर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो अगर हम लोग 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे सारी इक्वेशन में से, क्या कर लें माइनस 3 हम लोग कॉमन ले लें, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4k का स्केयर प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा, 4k कॉमन नहीं लेना आपने, माइनस का 4k कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेना है तो यहाँ पे 3k का स्केयर, ये हमारे पास प्लस माइनस का आ जाएगा जी 2k और यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये प्लस यानी कि ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, जीरो के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड होगी तो वो ज़ीरो हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 3k का स्केयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर क्या बनेगा इसका, देखें 3k का स्केयर माइनस अगर मैं करवा लूँ इसको, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3k माइनस प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखें 3k में से k जाएगा बाकी माइनस का 2k बचेगा, तो डियर स्टूडेंट 3k कॉमन आ जाएगा k माइनस 1। ठीक है, इधर से प्लस 1 कॉमन k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 एंड 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 एंड 3k इज इक्वल टू माइनस 1, तो k इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 क्योंकि k इधर 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, k की वैल्यूज, दो वैल्यूज फाइंड हुई हैं, एक हमारे पास k की वैल्यू 1 है, एक k की वैल्यू माइनस 1 ओवर 3 है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान सा काम था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अगर आपको समझ नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और फेसबुक आईडी का जो है वो भी दिया गया है लिंक, ताकि आप हमारा हमसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।